तो दोस्तों मैं फाइनली आ चुका हूँ जो बाबा साहब का दरगाह है। और दोस्तों काफ़ी तेज धूप है और देख सकते हैं यहाँ पीछे। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो प्लास तक बने रहिए। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ का आसपास का सीन। तो चलिए चलते हैं और आपको जानकारी देते हैं यहाँ का जो बाबा साहब का दरगाह है। तो आप लोग वीडियो पर आज तक बने रहिए। हमारे साथ हैं अविनाश भैया जो कि ये भी आए हैं घूमने के लिए ही। और देख सकते हैं गाइस अभी यहाँ पे हम लोग को पार्किंग जो भी बाइक था वहाँ पे पार्किंग हुआ है। और यहाँ पर एक गार्डन है देख सकते हैं काफ़ी अच्छा। तो चलिए चलते हैं फटाफट आपको दिखाते हैं यहाँ का आसपास का सीन। निकल लीजिए दोस्तों। यहाँ है विश्राम गृह, यहाँ जो भी लोग आते हैं विश्राम करते हैं। और ये है गेट। तो दोस्तों ये है विश्राम गृह। तो चलिए दोस्तों ये है मेन गेट। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पार्किंग के लिए यहाँ पे बाइक वाइक है। और दोस्तों मैं कुछ दिन पहले यानी लगभग साल डेढ़ साल पहले मैं आया था तो उतना ये डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन अब इसको पार्किंग के रूप में बना दिया गया है। और शायद ये बीच में लाइट वाइट लगा है दोस्तों, आइए आपको दिखाई देते हैं। और यहाँ पे गेट है जो कि गेट का टाइम भी लिखा गया है सुबह 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक और दोपहर में 2 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक ये गेट खुलता है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं और आपको अंदर का सीन दिखाते हैं और यहाँ के बारे में जानकारी देते हैं। तो आप लोग वीडियो प्लास तक बने रहिए। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ जूता लिखा गया है, यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अंकल जी यहाँ पे एंट्री के लिए जो भी है नाम उम लिख रहे हैं। यहाँ पे खानगाह शरीफ खुलने का समय जो कि 5 बजे से 10 बजे तक यानी 11 बजे तक था। और 3 बजे से 7:30 जो कि यहाँ पे कुछ और टाइम लिखा है, सामने कुछ और टाइम लिखा है। और यहाँ आने पे जूता चप्पल यहाँ आप लोग निकाल सकते हैं, वहाँ पे पैर वो धो सकते हैं। और चलिए चलते हैं और आपको बाबा साहब का दरगाह का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ है कार पार्किंग, रास्ता इधर है। जैसे यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। आया लगभग कितना साल हो गया मतलब ये बने हुए? ये मजार पुराना है, अच्छा, बहुत पहले का। हाँ, लेकिन ये 2001 में बना है। अच्छा अच्छा, इसका निर्माण किया गया 2001 में बाबा सरकार पर्दा किए। अच्छा, 2001 में 5 जनवरी को पर्दा किए, 8 जनवरी को उनका मिट्टी हुआ। मिट्टी हुआ तो उस दिन चादर चढ़ा, उसी के सिलसिला में 8 जनवरी को यहाँ चादर चढ़ता है। अच्छा, उस दिन तो काफ़ी मेला भी लगता होगा? हाँ, मेला लगता था। हाँ, अभी कोरोना के चलते मेला नहीं लग रहा है। अच्छा, हम सुने मई में भी कोई मेला में 27 मई को उर्स लगता है। उर्स? अच्छा, उर्स का मेला। मुबारक। अच्छा, उर्स मुबारक। हाँ, और जो 3 दिन का मेला होता है। हाँ, 3 दिन का मेला होता है। 3 दिन का मेला होता है। उसमें बहुत दूर से लाते हैं। अच्छा, दूर दूर से लोग भी आते हैं। हाँ, कहाँ से आए भैया? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे कुछ चाचा जी थे, जानकारी दिया। तो चलिए चलते हैं यहाँ बाबा साहब का दरगाह का अंदर का सीन दिखाते हैं, कैसा व्यू है। तो आप लोग वीडियो प्लास तक बने रहिए। तो दोस्तों एंट्री करने से पहले यहाँ पे नाम जो भी मतलब मझौली राज से जो भी मतलब दूर के लोग हैं वो अपना नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज हुआ है, जो कि एक ताकि पता चले, रिकॉर्ड होता है उसके थ्रू मतलब लिखा गया है नाम और मोबाइल नंबर। और मैंने आप लोग को जो है यहाँ बाबा साहब का दरगाह है उसके बारे में मैं उनसे जानकारी भी लिया हूँ कि वो मतलब कुछ मतलब मैं पूछा हूँ तो बताए हैं। तो आप वीडियो देखे ही होंगे तो आपको पता ही हो गया होगा। बाकी यहाँ का सीन देख लीजिए। और चलिए चलते हैं अंदर का पूरा व्यू दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। देख सकते हैं दोस्तों ये है मिर्च का पेड़। अगर आप लोग मिर्च का पेड़ नहीं देखे तो आप देख सकते हैं गाइस। और ये है मेन गेट। उर्दू में लिखा है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, खानगाह परिसर मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। दोस्तों ये काफ़ी शांत माहौल में ये जो बाबा साहब का दरगाह है और काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पे आकर के। चलिए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों ये है मेन गेट, अभी गेट बंद है। बाकी यहाँ का सीन देख लीजिए आप लोग। यहाँ कुछ लिखा गया है लंगर खाना इधर है, आप कैमरे में, कैमरे के नज़र में। तो दोस्तों यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, जो बीमार उमार पड़ते हैं, उन लोगों के लिए बनाया गया है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और यहाँ पे है फैज मंजिल, और यहाँ पे देख सकते हैं गार्डन टाइप में। और यहाँ पे दोस्तों एक जो है प्राइमरी पाठशाला है, यानी स्कूल है, यहाँ पे देख सकते हैं। आइए उसको भी हम दिखाते हैं, तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं गाइज लंगर खाना, यहाँ पे लंगर खाना लिखा गया है। तो यहाँ आसपास का सीन देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे एक नल है दोस्तों पानी पीने के लिए। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल है, और यहाँ पे है लंगर खाना। तो यहाँ पे जो भी भोजन वोजन होता है शायद इसी में होता है, और जो कि लिखा भी गया है। यहाँ पे है पानी पीने की सुविधा, और यहाँ पे है एक प्राइमरी स्कूल। तो आइए आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से, तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। यहाँ का आसपास का यहाँ पे एक फाउंटेन लगाया गया है, जो कि रात के समय ये काफ़ी मतलब अच्छा लगता है देखने में। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का आसपास का सीन, तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। देख सकते हैं यहाँ पे हमीदिया यहाँ मदरसा है, प्राइमरी स्कूल है। यहाँ देखिए तजिया बना है दोस्तों, देख सकते हैं गाइज। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए वो पढ़ते हैं। बाकी यहाँ का कैंपस का सीन देख लीजिए आसपास का। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा अंदर कुछ नहीं है, मैं बाकी आप लोग को यहाँ का आसपास का जो भी सीन था मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ, और यहाँ बताने की भी कोशिश किया हूँ। तो चलिए चलते हैं अब डायरेक्ट आगे का सीन दिखाते हैं, तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, दोनों बगल पेड़ पौधे हैं। ये फ़ोटोशूट लोकेशन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे आप लोग काफ़ी सारे लोग फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे। और बाकी मैंने आप लोग को इस रास्ते से काफ़ी कुछ कवर करके दिखाने की कोशिश किया है। आप चलिए चलते हैं दोस्तों अंदर का सीन दिखाते हैं, तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो गाइस देख सकते हैं मैंने आप लोग को इधर पूरा मैंने आपको कवर करके जो है सीन दिखाया। अब हम लोग चल रहे हैं अंदर का पूरा सीन दिखाते हैं, तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ का आसपास का सीन लगभग दिखाई दिया है। आप चलिए चलते हैं अंदर का सीन दिखाते हैं, तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ का मैंने आसपास का सीन दिखा दिया, चारों तरफ का सीन। और चलिए चलते हैं बाबा साहब के अंदर का सीन दिखाते हैं, जो दरगाह का अंदर का सीन है। तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। और यहाँ पे जो भी बातें लिखी गई है यहाँ का, आइए आपको सीन दिखा देते हैं कुछ, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आवश्यक सूचना, कोविड से कुछ जुड़ी हुई गाइडलाइन के बारे में लिखा गया। ये देखिए दोस्तों फाउंटेन, यहाँ पे मछली और कछुआ वगैरह सब चीज़ है। यहाँ पे फाउंटेन है, अभी लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है दोस्तों। दोस्तों हाथ पैर धो कर ही जाएँ। तो सो दोस्तों मैं अंदर आ चुका हूँ, और अंदर का सीन देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, देख सकते हो आसपास का सीन देख रहे हो। यह है बाबा भोला साहब का ये जो है रिक्शा है, जो कि हम सुने हैं कि ये भी ये चलाते थे। और ये रहा पूरा सीन देख लीजिए दोस्तों, अंदर का सीन है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अंदर, आप लोग दर्शन कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे फूल पत्ती और यहाँ पे किताबें भी रखी गई हैं, देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे सीढ़ी भी है चढ़ने के लिए, जो भी काम उम होता है उसके ऊपर दोस्तों। खानगाह में परिसर में वस्तु कुछ सुना सकता मना है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यह गेट, और यहाँ पे अभी दीप जल रहा है दोस्तों। यहाँ पे लोग परिक्रमा कर रहे हैं। और यहाँ पे आसपास का सीन देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों जो भी परिसर में सामान है उसको छूना उना नहीं है, जो कि यहाँ पे लिखा गया बात है। यहाँ पे मतलब पर्याप्त मात्रा में जगह है दोस्तों, आप लोग बैठ भी सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था है। बाकी मैं आसपास का सीन दिखा दे रहा हूँ, फिर अंदर चलते हैं, हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पे चोर पादुका है दोस्तों, देख सकते हैं। दान पेटी है दोस्तों, तो दोस्तों ये है अंदर का कुछ सीन, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम लोग दर्शन कर चुके हैं। तो दोस्तों मैंने अंदर का दर्शन करा दिया। अब चलिए हम यहाँ पे और बगल में यहाँ पे बाबा जी का दरगाह का सीन यहाँ पे भी हम आपको दिखा देते हैं। तो आप लोग वीडियो पर आज तक बने रहिए। तो दोस्तों मैं दर्शन कर चुका हूँ फाइनली। और जो यहाँ पे एक और मेरे साथ में आए थे, सनी ब्लॉग से नाम, सनी ब्लॉग से नाम चैनल है इनका जी। तो मेरा यूट्यूब पे सनी ब्लॉग नाम से चैनल है जी। तो आप लोग जैसे हमको प्यार दिला देते हैं, इन भैया को भी आप लोग प्यार दिला दे दीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।